वन पुत्र बजरंग बली की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिक स्थला था। उनका रूप बहुत आकर्षक और स्वभाव बहुत चंचल था। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब ऋषि ने क्रोध में पुंजिक स्थला को श्राप दिया कि वो वानरी का रूप धारण कर लेगी। ऐसा श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को आत्मग्लानि हुई और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने के लिए विनती की। तब ऋषि ने दया भाव से कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक बहुत ही कीर्तिवान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। द डिवाइन टेल्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए आज की कड़ी में जानते हैं बजरंग बली की माँ अंजनी के पूर्व जन्म की विस्तृत कथा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बजरंग बली का जन्म किस प्रकार हुआ और क्यों उनको वानर रूप मिला। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के पश्चात एक दिन पुंजिक स्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करे। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिक स्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वो ऋषि एक वानर है और मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिए, परंतु वो कोई साधारण वानर नहीं अपितु परम तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृत्तांत सुनने के पश्चात कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और इसके पश्चात तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। एक बार वन में उसने एक युवक को देखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने उस युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक उसके पास आया तो अंजनी ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ। परंतु जब अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे, तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। इस प्रकार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिव जी की तपस्या करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा और फिर अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए हे महादेव, कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म ले। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से बजरंग बली के रूप में जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर समाप्त करते हैं हम आज की कड़ी। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई। अपने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स से अपनी राय हम तक जरूर पहुँचाएं। नमस्कार।